कुत्ता पगलाएगा, काटेगा, 14 सूज लेनी पड़ेगी। जो कुत्ता बढ़िया करने जाता है वो मान के चलता है कि कुत्ता काटेगा और 14 सूज पेट में लेनी होगी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ रोहित कुमार, आप ही न्यूज फॉर नेशन पर। आनंद मोहन जिकृष्णीय हत्याकांड मामले में सजा पूरी करने के बाद नीतीश कुमार के कानून में बदलाव दिए जाने के बाद इस वक्त जेल से बाहर आ चुके हैं, खुली हवा में सांस ले रहे हैं और साथ ही साथ राजनीतिक तौर पर सक्रिय हो गए हैं। बिहार के मोतिहारी में आनंद मोहन की तरफ से जो है बीजेपी पर जोरदार हमला बोला गया। बिना नाम लिए हुए आनंद मोहन ने बीजेपी को कुत्ता तक कह डाला। कहा कि जब आप लड़ने निकलते हैं तो कुछ लोग तो आपको काटते ही हैं, मतलब उनका इशारा कुत्ते की तरफ था। ये कहने की कोशिश की कि पेट में 14 सुई भी लेने के लिए तैयार रहना पड़ता है, वो इसके लिए तैयार हैं। यानी कि इशारों ही इशारों में उन्होंने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। पहले सुनवाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं आनंद मोहन। विदर भक्तियों से डरने वाले नहीं, हम जेल और फौज से डरने वाले नहीं है। तो गालियां क्या है, हमने साजिशों से दोस्ती कर ली 17 साल की उम्र में, मुसीबतों को गले लगा लिया 17 साल की उम्र में और तय कर लिया कुत्ता बढ़िया करेंगे, कुत्ता पगलाएगा, काटेगा, 14 सूज लेनी पड़ेगी। जो कुत्ता बढ़िया करने जाता है वो मान के चलता है कि कुत्ता काटेगा और 14 सूज पेट में लेनी होगी। हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन ये जो छुट्टा घूम रहा है पागल लोग, उसको बढ़िया भी करेंगे। जो छेड़ेगा उसको छोड़ेंगे भी नहीं, ये हम लोगों के चरित्र में नहीं है। हम जानते हैं जब मैं मधेपुरा लड़ रहा था आपकी हैसियत कितनी थी, 3,500 आरटीए लगाओ प्रेस के लोगों, 3,500 तुम्हारी हैसियत थी। जब मैं वैशाली लड़ रहा था तब तुम्हारी हैसियत, सुरेश शर्मा जी जिंदा है, नगर विकास मंत्री इसके पहले थे, उनसे पूछिए जाके, तुम्हारी हैसियत 6,500 की थी। लालू जी से लड़े, हम कौन लोग हैं, हम लड़ते हैं तो हम ठोक के लड़ते हैं और जले तो पूरे हृदय उड़े उड़े कर देते हैं। लालू जी से हमारी दोस्ती हो गई, लालू जी से लड़े पूरा कोसी सीमांचल गवर्न, आपके सवाल पर लड़े, उन्होंने तो माफी दे दी लेकिन तुम माफ नहीं कर रहे, क्यों क्यों सवाल पूछते हैं। वो कौन थी जिसके स्तन पर ब्लेड चल रहे थे, वो कौन थी जिसके साथ रेप हो रहा था हॉस्टलों में, वो कौन थे जिसके खेत खलियान लूटे जा रहे थे और आनंद मोहन विधायक रहते बंदूक। आप माफ नहीं कर पाए, क्यों, हम जानते हैं जब राम निकला तब भी वनवासियों ने साथ दिया, आदिवासियों ने साथ दिया, जंगल में रहने वाले लोग जिसको वन का नर कहते थे, जो वन के नर थे उनको बना दिया बानर, जिनकी जंगलों में बड़ी पूछ थी उसको पीछे से लगा दिया पूछ, उसने साथ दिया। जब हम हरना बन के निकले तब भी कोल भील दलित आदिवासी पिछड़ों ने साथ दिया। साथियों, जब कुंवर सिंह, ये पहली दफा नहीं है जब आनंद मोहन ने इस तरीके का विवादित बयान दिया है, इसके पहले भी उन्होंने हिंदू और क्षत्रिय को लेकर के कुछ इसी तरह का बयान दिया था। आनंद मोहन लगातार अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में, जब से वो जेल से बाहर आए उसके बाद से लगातार उनके निशाने पर वो लोग हैं जो कि उनकी रिहाई का विरोध कर रहे हैं। और जाहिर तौर पर बीजेपी लगातार आनंद मोहन की रिहाई को गलत बता रही है, ये कह रही है कि नीतीश कुमार ने एक अपराधी को कानून में बदलाव करके जेल से बाहर उनको लेकर के आ गई है और ऐसे में इसका विरोध हो रहा है। हालांकि जदयू या फिर आरजेडी ये लगातार कह रही है कि आखिर बीजेपी ने ही तो उनकी रिहाई की मांग की थी, जब उनकी रिहाई हो गई है तो आखिर इतनी बेचैनी क्यों है। बिहार में आनंद मोहन के नाम पर उनकी रिहाई के पहले से लेकर के अभी तक सियासत खूब हो रही है और अब खुद आनंद मोहन एक तरीके से कहें कि मोर्चा संभाल लिया है। आनंद मोहन लगातार हमला बोल रहे हैं और उनके जो
हमले पर जो है अब बीजेपी आ गई है, सीधे तौर पर कह रहे हैं कि वो तैयार है, यानी कि जिस तरीके के विवादित बोल है उसके हिसाब से अगर उसकी बात करें तो उसमें वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप सड़क पे चलते हैं तो कुछ जो पागल किस्म के जानवर हैं वो आपको काट लेते हैं, आपको 14 सुई लेनी पड़ती है, लेकिन उसके लिए आप तैयार रहते हैं तभी तो आप सड़क पर होते हैं, लड़ते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।